दोस्तों, आने वाला कॉल पर फुल स्क्रीन फोटो कैसे सेट करें, चलिए पहले हम यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखा दे। यहाँ पे हमने कॉल को लगा दिए, अभी कॉल इसमें आता ही होगा। चलिए अभी इसको हम साइलेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, फुल स्क्रीन में फोटो शो कर रहा है। जिसका कॉल आएगा उसका यहाँ पे फुल स्क्रीन में फोटो आपको बताएगा, जिससे आपको नाम देखने में भी कोई जरूरत नहीं है। अब आप फोटो देखकर भी पहचान सकते हो कि किसका कॉल आ रही है। इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेडमी का, शाओमी का, EMI का फोन या पोको का फोन चलाते हैं तो डायरेक्ट इसमें फुल स्क्रीन में आप फोटो सेट कर सकते हैं। डायलर पैड को ओपन कीजिएगा। जिस नंबर पे आपको फोटो सेट करना हो उसका पहले आप एक फोटो अपने मोबाइल में खींच लीजिएगा, या व्हाट्सएप के द्वारा उसका नाम फोटो अपने फोन में एक मंगा लीजिएगा। उसके बाद आप अपने फोन में वो सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम उसके प्रोफाइल वाला आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम आदमी का जो सिम्बॉल मिलेगा इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको एक आदमी का सिम्बॉल मिलेगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन चलाएगा, टेक फोटो और चूज फोटो फ्रॉम गैलरी। तो आप डायरेक्ट आमने सामने फोटो खींचना चाहते हैं उस बंदे का, जिस बंदे का यहाँ पे नंबर है, तो आप टेक फोटो पर क्लिक कीजिएगा। तो इस मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा, तो उसका फोटो लेकर आप सेट कर सकते हो। अगर गैलरी में पहले उसका फोटो है तो यहाँ चूज फोटो फ्रॉम गैलरी पर आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपकी फोन की गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से उसका फोटो को आप यहाँ से चुन लीजिएगा, जैसे चुनिएगा यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन मिलेगा, ओके पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ओके पर क्लिक कीजिएगा यहाँ देखिएगा उसका फोटो यहाँ पे चलाएगा। उसके बाद हम यहाँ से चलिए बैक कर देते हैं। बैक करने के बाद में यहाँ पर हम इसको स्क्रीन को बंद कर देते हैं। अब चलिए इस पे हम कॉल लगाकर आपको चेक करके दिखा दे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कॉल लगा दिए, अभी फोन आते होगा। जैसे कॉल आएगा यहाँ पे चलिए हम साइलेंट कर देते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे कॉल आने लगा। अब किनका फोटो आ रहा है यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद यहाँ से कॉल रिसीव करके हम इसे बात भी कर सकते हैं। देखिए कि यहाँ पे ये बात हो रही है, अभी म्यूट कर दिए। यहाँ पर आसानी से बात कर लेंगे। अगर इधर से कॉल लगाना हो उस नंबर, तो इधर से कॉल लगाएंगे तो भी फोटो यहाँ पे शो करेगा। चलिए इधर से हम कॉल को यहाँ पे लगा दिए। जैसे यहाँ पे कॉल लगाएंगे, यहाँ देखिएगा छोटा में इधर से शो करेगा, यहाँ पे छोटा में शो करेगा जब इधर से हम कॉल लगाएंगे, और उधर से जब कॉल आएगा तो पूरी फुल स्क्रीन में यहाँ पे फोटो शो करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर रेडमी का फोन चलाते हो, शाओमी का फोन, EMI का, पोको का, डायरेक्ट अपने किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर पर फोटो को सेट कर सकते हो। अगर इस फोटो को अगर चेंज करना हो तो फिर यहाँ प्रोफाइल आइकन पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे वो फोटो शो कर देगा। उसके बाद इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर इसको रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। कैमरा से खींचना चाहते हो तो कैमरा से खींच सकते हो। चूज न्यू फोटो फ्रॉम गैलरी से लेना चाहते हो तो आप गैलरी से यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, और कोई दूसरा फोटो को यहाँ पे आप सेट कर लीजिए। चलिए ये फोटो सेट करना हो, इस फोटो पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला फोटो हटकर ये नया फोटो फिर चला है। इसी तरह बारी बारी से जितने आपके फोन में कॉन्टेक्ट नंबर है सभी पर आप फोटो सेट कर सकते हो, जिससे आप एक ही बार में कॉल आएगा तो कोई भी पहचान लेगा कि फलाना आदमी कॉल कर रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानकारी हो जाए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।